वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर और आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊँगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दिव्या दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि यहाँ काफ़ी एक अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी साथ हम आगे बात कि इस मूवी को के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो एटी परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानंदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों कोर्ट स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफ़ान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ 50 50 परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसंट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर आंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊंगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी एक अच्छी खासी आई रेटिंग रखी गई है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि इस मूवी को के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो एटी परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुफ्फोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर और आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊँगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दिव्या दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी एक अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो एट्टी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़ंदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों कोर्ट स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्ज़िया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफ़ान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिज़र्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर एंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊँगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी एक अच्छी खासी आई रेटिंग रखी गई है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी के साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो एट्टी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानंदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कम्प्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कम्प्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्ज़िया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफ़ान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजीली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिज़र्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रही इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊँगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी एक अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 88 एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली तो देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानंदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों कोर्ट स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफ़ान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिज़र्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर अंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊँगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह योगराज सिंह सोनम कपूर दिव्या और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी एक अच्छी खासी आई रेटिंग रखी गई है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी साथ हम आगे बात करें कि इस मूवी को के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो एटी परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानंदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेसन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी की डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफ़ान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस जाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कांसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर आंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊँगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी एक अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी को के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो एटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी की डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफ़ान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर एंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊँगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दिव्या दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी एक अच्छी खासी आई रेटिंग रखी गई है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी को के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो एटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ 50 50 परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसंट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर एंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊंगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दिव्या दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी

कि उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 88 एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानंदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्ज़िया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफ़ान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिज़र्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर एंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊँगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दिव्या दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी एक अच्छी खासी आई रेटिंग रखी गई है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो एट्टी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानंदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कम्प्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कम्प्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफ़ान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिल इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिज़र्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ 50 50 परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसंट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड द गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर एंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊंगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा के बारे में। के ये किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी यहां पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहां पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहां पर जो है वो एट आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी एक अच्छी खासी आई रेटिंग रखी गई है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी कि उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 88 परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानंदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों कोर्ट स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कम्प्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कम्प्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हां अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफ़ान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर आंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊँगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिलखा भाग तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी एक अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी साथ हम आगे बात कि इस मूवी को के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो एटी परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानंदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों कोर्ट स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफ़ान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस जाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कांसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर एंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊँगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बा आसानी पहुंच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिलखा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी एक अच्छी खासी आई रेटिंग रखी गई है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी को के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो एटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में दीखने यह यह गो 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 जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस जाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कांसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर एंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊंगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दिव्या दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी तो रेटिंग तो है, है जो कि हाँ काफी एक अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए कि उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 88 एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुफ्फोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर एंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊँगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह योगराज सिंह सोनम कपूर दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि यहाँ काफी एक अच्छी खासी आई रेटिंग रखी गई है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 88 एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानंदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कम्प्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कम्प्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफ़ान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजीली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस जाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कांसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर एंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊँगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि मूवी किस तरह की बनाई गई पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दिव्या दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहां पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहां पर जो है वो एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफी एक अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी कि उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 88 परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानंदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कम्प्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कम्प्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफ़ान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिल इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ 50 50 परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसंट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर एंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊंगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दिव्या दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी एक अच्छी खासी आई रेटिंग रखी गई है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 88 परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा हो क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों कोर्ट स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफ़ान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ 50 50 परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसंट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर एंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊंगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दिव्या दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर मूवी की गूगल के यूजर्स लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर जो है वो एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि हाँ काफी एक अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी कि उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 88 परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानंदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस जाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कांसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर एंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊंगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दिव्या दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर मूवी की गूगल के यूजर्स लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर जो है वो एट आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई तो रेटिंग तो है, है जो कि हाँ काफी एक अच्छी खासी आई रेटिंग रखी गई है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 88 परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुफ्फोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिल इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस जाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कांसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर एंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊंगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दिव्या दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी एक अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 88 परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुफ्फोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर एंड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊँगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दिव्या दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहां पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहां पर जो है वो एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी एक अच्छी खासी आई रेटिंग रखी गई है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी के साथ हम आगे बढ़ें परसेंट तक लाइक किया गया तो 88 एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानंदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कम्प्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कम्प्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्ज़िया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफ़ान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजीली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसनट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर आड आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊँगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहां पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दत्ता और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी एक अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 88 एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की, सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानंदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेसन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफ़ान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिल इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनल पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा वेल well, तो जी आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं बट आज ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स लवर के लिए बनाई गई है अगर तो आप लोग स्पोर्ट्स लवर हैं तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये सारी मूवी आप लोगों के लिए ही होने वाली है और लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर नहीं हैं आप लोगों को कुछ एक्शन और मांस मसाला देखना पसंद है तो हाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक आप लोग रुक सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर ही कंसंट्रेट किया जाएगा तो आप लोग अगर तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो वेल एंड गुड रुके रहिए इस वीडियो के अंदर और आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी मूवी बताऊँगा जो कि लिटरली आप लोगों को स्पोर्ट्स के मायने बता के जाएगा और एक अलग सी दुनिया में लेकर जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छी मूवी होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी भाग मिल्खा भाग के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं भाग मिल्खा भाग के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को बॉलीवुड से एक्टर्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर फरहान अख्तर जबजीत सिंह युगराज सिंह सोनम कपूर दिव्या और रबिका ब्रिड्स जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया है एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम यहाँ पर बात करें आई रेटिंग की तो इस मूवी को यहाँ पर जो है वो एट आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी एक अच्छी खासी आई रेटिंग रखी गई है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें परसेंट तक लाइक किया गया तो एटी परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारे के सारे जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से जो कि प्रजेंट भी किया गया है जी हाँ स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रजेंट किया गया है एंड आप लोग इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा लुत्फानदोज़ भी होंगे तो इस मूवी में आप लोगों कोर्ट स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो हाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम डोेशन रखी गई है तीन घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश ने जी हाँ अगर हम इनके कंप्लीट नेम की बात कर लें कि इनका कंप्लीट नेम क्या है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इनका कंप्लीट नेम है एंड इन्होंने ही यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ अक्स रंग दे बसंती दिल्ली सिक्स बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव उसी के साथ भाग मिलकर भाग मिर्जिया मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तूफ़ान जैसी मूवीज़ इन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं आप लोग एक एक चांस इनकी मूवीज़ को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है जी डिजनी प्लस हॉट पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को एक चांस तो देना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस जाया नहीं जाएगा